हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरिजीत दास एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली अगर आप ट्रैवल करते हैं एंड IRCTC पे अपना रूम बुक करना चाहते हैं। तो बिफोर कमिंग प्रेजेंटली आई एम इन कोलकाता, मुझे ये बोल देना चाहिए। तो अभी मैं IRCTC का मेल डॉर्मेटरी में रह रहा हूँ सियालदा में। सो बिफोर कमिंग ओवर हियर मैं बहुत सारा यूट्यूब वीडियो सर्च किया, बट मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला पोस्ट लॉकडाउन। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट इन फ्यूचर यू नो जो भी लोग आने वाले हैं कोलकाता में या सियालदा से, उनका ट्रेन है तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं, और यहाँ का कौन कौन से फैसिलिटीज़ बढ़िया से अवेलेबल है, कैसे बुकिंग कर सकते हैं, कितना प्राइस है, क्या क्या नया स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड होपफुली ये वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है, मैं अभी प्रेजेंटली मेल डॉर्मेटरी में रुका हुआ हूँ एक बेड में। तो पहले मैं अपना ये डॉर्मेटरी आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ का रिसेप्शन, यहाँ का रेस्टोरेंट और जो पैसेज हुए है लोकेशन सब दिखा देता हूँ, और उसके बाद इसका बुकिंग प्रोसीड्योर और क्या इसका फीस है, क्या इसका रेट है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये इसका एंट्रेंस है। तो अभी जो नया बनाया गया है इसमें बर्थ सिस्टम कर दिया है, जैसे कि देख सकते हैं इसमें मैं रुका हुआ हूँ 5L। तो इसको हटाने पर यहाँ पे एक आपका ब्लैंकेट दिया गया है, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ऊपर में ये लाइट भी है, और एक पिलो। ओवरऑल नीट एंड क्लीन ही है, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा अपोजिट साइड में भी सेम है, और ऐसे 12 अपर 11 लोअर ऐसे नंबरिंग किया गया है। तो इस साइड में जो है आपका घुसते ही टोटल चार, तो नीचे चार ऊपर चार, मतलब 8, तो 8 8 16, और इसका उधर से ऑपोजिट साइड में भी सिमिलर ही होगा। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली शायद यहाँ 32 बेड्स अवेलेबल है। तो ये एसी डॉर्मेट्री है, तो एसी का सुविधा दिया गया है एंड नीट एंड क्लीन है, वहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। तो यहाँ इधर आपका बाथरूम है, बाथरूम भी काफ़ी हाइजीनिक है। यहाँ पे आपका बेसिन, फिर आपका लिक्विड सोप सब कुछ दिया गया है। ये आपका यूरिनल्स है,
एंड अंदर भी दिखा देते हैं। ये आपका है इंटीरियर जो कि डिसेंट है, एग्जॉस्ट फैन सार और ये आपका सब चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे गीजर नहीं दिया गया है तो वो एक चीज़ है, बाकी ऐसे नीट एंड क्लीन है, पानी का कोई दिक्कत नहीं, 24 आवर्स पानी का सुविधा है यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ और बैक टू माय ओन बर्थ। तो ऐसे कि आप देख सकते हो उस साइड पे एक ऐसे बना हुआ है और इस साइड पे भी बना हुआ है टोटल। और यहाँ पे ऐसे आप अंदर पे, हाँ यहाँ पे ऐसे आप चेन पे ताला बांध के अपना सामान रख सकते हैं, तो अपना ताला ज़रूर लाइएगा लगेज के लिए, सेफ्टी के लिए, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब लाइट ऑफ कर देते हैं तो इस तरह से यहाँ पे ब्लू लाइट्स दिया गया है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो अभी मैं अपना बर्थ में चलता हूँ और बाकी बातें करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि सियालदह स्टेशन में घुसते ही आपका जो है फर्स्ट फ्लोर में IRCTC का पूरा सेटअप आपको मिल जा रहा है। पहले यहाँ पे सेटअप दूसरा हुआ करता था, बट बीच में ये रिकॉन्स्ट्रक्शन और रिनोवेशन करके इसका फैसिलिटीज़ और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया है, उसको और इम्प्रूव्ड किया गया है। तो सिंगल अगर कोई आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप जेंट्स है या फिर फीमेल जो भी है, तो अलग अलग डॉर्मेट्री अवेलेबल है जो कि काफ़ी बढ़िया भी रहता है और मैंने ऐसी डॉर्मेट्री बुक किया है। तो इसमें जैसे कि बुकिंग का दो सिस्टम है, एक तो है कि मैंने टाइमिंग के अगर हम बात करें तो या तो 12 घंटा के लिए बुक कर सकते हैं या फिर आप 24 घंटा के लिए बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी आए, 2 घंटा के लिए रुके फिर चले गए, उस टाइप का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे चेक इन चेकआउट टाइम है सुबह का 7:30 बजे और शाम का 7:30 बजे, ठीक है। और आपको ऑनलाइन यही चीज़ आपको 8 बजे 8 AM और 8 PM दिखाता है। तब बुकिंग जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक वैलिड टिकट होना चाहिए, आपका PNR नंबर उसमें ज़रूरत होता है। तो ऑनलाइन अगर आप बुकिंग कीजिएगा तो IRCTC का साइट में जाकर अपना PNR नंबर देके आप बुक कर सकते हैं। आपको मेल डॉमेट्री चाहिए, इसमें जैसे कि आप देखें शेयरिंग में है सब चीज़। तो अभी क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए यहाँ पे आदमी बहुत कम आया हुआ है, जनरली जब क्राउडेड रहता है तब क्या होता है कि उस टाइम आपको रूम मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आप जो है ऑनलाइन तब बुक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था सियालदह में एंड मुझे पता था कि अभी कोरोना के चक्कर में बहुत लोग आ नहीं रहे डर से, सो आई नो दैट मुझे पहले मैं ऑनलाइन चेक कर लिया था तो देखा कि पूरा मेल डॉर्मेट्री में रूम्स अवेलेबल है, मतलब बेड अवेलेबल है, तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि मुझे ऑफलाइन में मिल जाएगा। सो मैं आके पर्सनली एक बार इसका मतलब कितना सैनिटाइजेशन किया जा रहा है सब चीज़ चेक करना चाहता था, फिर मैं रूम लेना चाहता था, इसीलिए मैं पहले आया, आके मैंने रिसेप्शन में कॉन्टैक्ट किया और मैंने वहाँ पर कॉन्टैक्ट करने पर वहाँ बोला गया कि ऐसे आप ऑनलाइन बुक कीजिएगा तो आपको 12 घंटे का AC डॉर्मेट्री का मेल डॉर्मेट्री का 12 घंटे का 400 रुपये और 24 घंटे का 800 रुपये आपको देना पड़ेगा। बट ऑफलाइन आप जब मैंने यहाँ पे बुक किया तो मुझे 812 रुपये देना पड़ा, 12 रुपीस एक्स्ट्रा, पता नहीं क्यों, जो भी है। तो मुझे रूम बेड दिया गया लोअर बर्थ जिसमें मैं अभी रुका हुआ हूँ। मेरा अभी रात का लगभग 9 बज रहा है और मेरा ट्रेन कल सुबह 6 बजे है। तो क्योंकि ये स्टेशन के अंदर है तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलता है, सेफ्टी मिलता है और आप जैसे नीचे उतरेगा सामने ही प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन में चढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप बाहर होटल लेते हैं तो वहाँ से फिर यहाँ चल के आपको आना पड़ेगा, फिर आपको प्लेटफॉर्म में दौड़ना पड़ता है, तो वो आपका जरूरत से हैरेसमेंट रहता है वो यहाँ पर नहीं होता है। प्लस इसका आगे में ही रेस्टोरेंट अवेलेबल है जहाँ पर जाके आप लंच डिनर करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि बुकिंग का प्रोसेस ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, लेकिन ऑनलाइन करना ही थोड़ा मेरे हिसाब से बेहतर रहता है क्योंकि उसमें आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ता है, प्लस आपका सिक्योर्ड रहता है कि हाँ भाई जाने से हमको मिल जाएगा। बट ये मैंडेटरी है कि आपके पास एक वैलिड PNR नंबर यानी ट्रेन का टिकट, कन्फर्म टिकट होना चाहिए, उसी के आधार पर होता है। सो यही था मोर और लेस अबाउट द IRCTC इन सियालदह। इसमें काफ़ी आपका फैसिलिटीज़ आपको मिल जाता है, आपको फैमिली के लिए अलग सेपरेट रूम भी अवेलेबल है, कपल के लिए सेपरेट रूम भी अवेलेबल है, लेकिन जो लोग सिंगल आते हैं उनके लिए डॉर्मेट्री बेनिफिशियल है, तो इसीलिए मैंने भी डॉर्मेट्री किया है। तो आप जो है ऑनलाइन साइट में जाके इस सब का डिटेल्स IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके PNR नंबर डाल के सब ऑफिशियल डिटेल्स और प्राइस आप चेक कर सकते हैं।
और मतलब जो मेन बात है कि अभी जो है जिस तरीके से यहाँ पे सैनिटाइजेशन और हाइजीन मेंटेन किया गया है, या कह सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट सेफ़ टू ट्रैवल पोस्ट लॉकडाउन। तो सियालदह से जो लोग भी, जो कोई भी ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल करने वाले हैं, आप बिल्कुल, अगर अपन रात में स्टे करना है तो IRCTC का जो रूम्स एंड लॉजिंग या डॉर्मेट्री फैसिलिटीज़ है उसको आप लोग उसको यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए और सेफली स्टे करके अपना यात्रा कंटिन्यू कीजिए। तो होपफुली इससे आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा एंड थोड़ा सा आपको जितना भी हो सका मैंने दिखाने का कोशिश किया। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट और भी लोगों को जानकारी मिले, इस तरह का यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कुछ भी क्वेरीज हो तब कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड सॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।